अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द स्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS, CLIS, MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे काफ़ी कुछ है। आप लोग का एग्ज़ाम जो है 3 अगस्त से स्टार्ट, कल से ही स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग BLIS, MLIS और CLIS आप कर रहे होंगे, और ये जो फॉर्म है ये कॉम्पिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म निकला हुआ है सत्यवती कॉलेज इवनिंग का, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर में आता है, अशोक अशोक विहार फेज 3 दिल्ली से है ये निकला हुआ फॉर्म है। इसमें लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है, कैसे है, सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग परमानेंट पोस्ट। तो परमानेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन एंड डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे सेकंड वाला है जो कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, जिसमें एकेडमिक पेस लेवल जो रहेगा आपका 10 से मिलेगा आपको। तो बाकी और बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लाइब्रेरियन सेकेंड नंबर पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहला है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन साइंस किसी भी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से, और उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। सेकेंड है अ कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक करियर और रिकॉर्ड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ लाइब्रेरी, और नॉलेज होना चाहिए आपको लाइब्रेरी में कंप्यूटर का। और थर्ड है यहाँ पे, बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द NET, दैट इज़ नीट, नीट एग्ज़ाम भी आपको क्लियर किया होना चाहिए। कंडक्टेड बाय UGC, हाँ UGC ही करवाती है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। फिर PhD वगैरह है, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री, ये अगर है तो बहुत अच्छी बात है। फिर प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर द PhD डिग्री, ये सब एक बार पढ़ लेना है, उसमें कुछ खास नहीं है। सिंपली मतलब आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, और एक कंसिस्टेंटली आपका एक गुड एकेडमिक करियर होना चाहिए। फिर उसके साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए लाइब्रेरी में, और आपने नेट क्लियर कर रखा हो और PhD वगैरह अगर किया है तो वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आती हैं। फिर आगे देखते हैं और क्या है इसमें। तो इसके अंदर उसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है PhD डिग्री यहाँ पे मांगा गया है आपका। ये सब तो चलिए ये कुछ खास है नहीं, इसको आप पढ़ लेना। बाकी हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स वगैरह पे चलते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको, हाँ यहाँ पे आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फॉर्म है, अच्छा ये फिज़िकल एजुकेशन का है, तो आप लोग का फिज़िकल एजुकेशन तो है नहीं, बट यहाँ पे देखें इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, द कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रीड केयरफुली द डिटेल इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म। सारे जो डिटेल इंस्ट्रक्शन हैं आपको पढ़ लेना है, हालांकि हमने बता दिया था आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, और तब फॉर्म फिल करें। कॉलेज विल एक्सेप्ट द एप्लीकेंट्स फ्रॉम थ्रू ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है, और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप द ईमेल ID एक्टिव फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। अपना ईमेल ID जो भी आप देंगे उसको 1 साल तक ईमेल ID को मतलब एक्टिव रखना है, और बिफोर फिलफिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द फॉलोइंग शुड बी कैप्ट रेडी, जैसे स्कैन फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, 3 कॉपी ऑफ सेम फोटो शुड बी रिटेन फॉर यूज़ ऑफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, और आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास वैलिड ईमेल ID होना चाहिए एंड वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद फिलअप मार्क्स वगैरह ये सब तो आप लोग पढ़ लेना, बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। ये भाई ये नॉर्मल सा जो आपके पास होना, मतलब जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगते हैं।
यहाँ पे ऑल द पोस्ट विल बी फिल एज़ पर द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ डेली द क्वालिफिकेशन एंड अदर सर्विस कैंडिडेट शैल बी सच एज प्रिस्क्राइब बाई यूनिवर्सिटी ऑफ डेली फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ डेली ने यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन किए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप लोगों का रिक्रूटमेंट होगा और इसमें कुछ खास है नहीं बाकी। हाँ, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपये है। एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वुमेन के लिए कोई भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, नील रहेगा उनके लिए। तो ये पूरा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो भी आपका एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो रूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगा। और यहाँ पे और आपके लिए क्या है, मतलब आपके जानने के लिए इसमें वो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट डेट है जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे कैंडिडेट कॉल फॉर टेस्ट रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू शैल डू सो एट देयर ओन एक्सपेंस। मतलब आप अगर जाएंगे तो आप अपने खुद के एक्सपेंस पे जाएंगे, अगर इंटरव्यू एंड कॉल ये टेस्ट वगैरह के लिए जा रहे हैं तो ये आपके लिए मतलब खुद के लिए है तो आपको खुद ही मतलब इसमें एक्सपेंस को वियर करना पड़ेगा। फिर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 21/8/2021, मतलब 21/8 तक आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम काइंडली सेंड द मेल एट, यहाँ पे सत्यवती कॉलेज का यहाँ पे मेल आईडी है। यहाँ पे आप लोग कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी दिक्कत हो, आप इस पे मेल कर सकते हैं। तो इस मेल का आप चाहें तो मतलब आप नोट कर सकते हैं या फिर हम इसका इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे तो वहाँ से भी आप लेके और मेल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो ये पूरा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज से जो फॉर्म निकला हुआ है। तो आशा करते हैं आपको जो पूरा मतलब डिटेल आपको समझ में आ गया होगा और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ ज़रूर फिल करें इसको। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।